हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। जैसे कुछ लोग और कुछ मिस्त्री, कुछ टेलर कुछ गलतियाँ कर देते हैं, वो गलतियाँ क्यों करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फुल तरीके से बताऊंगा। उसमें गलतियाँ ये करते हैं कि कुछ टाइम अपना बचाते हैं, कुछ उसमें लेबर चार्ज बचाते हैं, उसको कुछ मिस्त्री का चार्ज उसमें बचा लेते हैं। तो उसके बाद उसके चक्कर में उसमें गलतियाँ कुछ कर जाते हैं। तो उसमें आपको कभी भी ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और ये गलती के चक्कर में फैटी का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फुल तरीके से बताऊंगा आपको, फुल तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से गलतियाँ को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ गलतियां करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं, कभी भी लेंटर आप डलवा रहे हैं और लेंटर के ऊपर आप रद्दे लगवा रहे हैं, तो उस रद्दे में आपको 9 इंची का रद्दा आप लगवा के चले, उसमें बॉल 4 इंची की रद्दे नहीं लगवाएं। क्योंकि उस पर क्या होता है कि 4 इंची की रद्दे लगाते हैं तो उसके क्या करते हैं, उसी के ऊपर बाउंड्री और चाहे उसके ऊपर दीवार खड़ी कर देते हैं। इस तरीके से आप इसे नहीं कराना चाहिए। क्यों आप गलती ये कर देते हैं, आपको रोक लगवाते हैं तो उसके लेंटर के ऊपर रोक लगवाते हैं पानी वाली, तो उसमें आपको 9 इंची का पूरा बेस बनाना चाहिए। उस पर आप कभी भी 9 इंची 4 इंची बॉल खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि गलतियाँ यूँ कर देते हैं। कि गलतियाँ आपने देखा होगा, कभी कभी मैंने आपको दिखाया था कि 4 इंची के जो हम बॉल रद्दे जो लगाते हैं, तो उस पर क्या होता है, उसकी जो कमजोर है शायद से जो कमजोरी होती है, उसमें कमजोरी रह जाती है। तो आप कभी भी लेंटर के ऊपर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जो शार्ट में जो बीम होता है उसमें हमारी जो शार्ट जो लगती है, तो उसमें क्या होता है, वो शार्ट हमारी दब जाती है और उसमें जो सेटिंग जो लगाते हैं वो शार्ट दब जाती है। तो उसके चक्कर में हमारा जो रद्दा है 4 इंची वाला, तो उसमें क्या हमारा अप डाउन हो जाता है। तो आपको कभी भी लेंटर डलवाने के बाद में आप उसमें 9 इंची का शार्टों में सारे एक रद्दे लगाना है आपको। उसके बाद में आप 9 इंची और 4 इंची का आप बॉल खड़ी कर सकते हैं। तो आपको पीछे आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई थी कि इन समझाने के लिए कि किस तरीके से गलतियाँ कुछ लोग कर देते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम पानी रोकने के लिए काफ़ी ठेकेदार क्या करते हैं कि वो उसमें मिट्टी और उसमें चम्मल वगैरह का थोड़ा थोड़ा मसाला लगा के वो काम पानी को रोक देते हैं। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट जो रद्दा लगाएं उसको, आप फर्स्ट रद्दा लगाने का विशेष यही ध्यान रखें, आप उस पर 9 इंची का पूरा रद्दा लगा के चलें, उसके बाद 4 इंची की बॉल आप खड़ी कर सकते हैं। तो आपको इसी बीच वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि हमारा जो 9 इंची का सारे रद्दे लगे हुए हैं, उसमें क्या है, जो पहले फर्स्ट वाला जो रद्दा होता है उसमें मजबूती बनती है। इसे आप देख रहे हैं किस तरीके उसकी काउंटिंग बरतें और शार्टों से मसाला वगैरह लगा के उसको फिक्स कैसा करा जाता है। तो इसमें दोस्तों मैंने ये इसके लिए वीडियो बनाई थी कि आपको फुल जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इसी बिल्डिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ला देता हूँ। तो आप बाउंड्री वॉल की अगर बात करें, तो आप अगर फर्स्ट, अगर मकान आपकी फर्स्ट छत है, तो आपको फर्स्ट छत अगर बनवानी है तो आपको 4 इंची बॉल नहीं करानी है। अगर शार्टनों से अगर आप 9 इंची बॉल करानी है आपको बनवाना मकान, तो आप 4 इंची नहीं कराएं, 9 इंची करा के चलें। तो उसमें वो खड़ा चाड़ी का आपको चार्ज बहुत लगता है, उसमें पैसा भी आपका वेस्ट चले जाता है। तो दोस्तों, वीडियो चले तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए।